दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट। आज की वीडियो भी उन बच्चों के लिए समर्पित है जो रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, CCA कैटेगरी के स्टूडेंट्स। इन बच्चों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ जानते हुए भी कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट्स आमूमन अपनी पावर का, इनहेरेंट पावर का, नेचुरल जस्टिस का कहीं इस्तेमाल नहीं करती है। अदरवाइज अगर करती तो हमारा मैटर हमारे फेवर में होता। एक और कोशिश हमने करी कैट में फाइल करके, कुछ हद तक ठीक हुआ, लेकिन लगना लगा कि कैट के बस की नहीं है, वो नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारे बीच में, क्योंकि लिस्ट जो है रिक्रूटमेंट्स की फाइनल आती जा रही है, अब कंप्लीट हो गई है, अब तो सिर्फ जॉइनिंग बची हुई है, बट स्टिल जो सीट्स हैं वैकेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। उसके लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में, मैंने सोचा कि एक रिट पिटीशन लगाई जाए, और जो एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन था 12 अप्रैल 2019 की कट ऑफ डेट वाला, उसके ऊपर हाई कोर्ट कुछ डिसीजन ले। नंबर टू, जो सीटें वैकेंट बच गई है, इन फ्यूचर उसका दोबारा से एडवर्टीजमेंट होकर रिक्रूटमेंट होना है। हम ये कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम होना ही है, रिक्रूटमेंट होना ही है, तो हम बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया भी है, कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, हम हर तरफ से एलिजिबल हैं, हर तरफ से हर एक एलिजिबिलिटी जो चाहिए एक ग्रुप डी के पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए वो हमारे पास है, तो इसको क्यों ना हमें ले लिया जाए। क्योंकि हम वो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड में ट्रेनिंग करी, जिन्होंने 2015-16-17 में एडमिशन लिया है CCA के कोर्स में, उनको सर्टिफिकेट मिला है 2022 में। किसकी गलती है? रेलवे की गलती है कि शुरू से सर्टिफिकेट नहीं था, नहीं अरेंज करवाई, वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया विद इन टाइम बाउंड में, तो हम क्यों सफ़र करें इसके लिए? सबसे सबको हटा करके बात, अभी प्रेजेंटली ये सिचुएशन है हाई कोर्ट में, 17 मार्च को हमारी हियरिंग है। बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकता इस लेवल की मैंने जिद और मेहनत करी उस पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट में लगाने के लिए। कई बार ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि नहीं, ये मैटर तो कैट का है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का है, रेलवे रिक्रूटमेंट का है, ये बिल्कुल नहीं हाई कोर्ट में लग सकता है जुरिस्डिक्शन में। हमने कोशिश करी, इतने तरीकों से कोशिश करी, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फाइनली मैं जीता और हमारा मैटर लिस्ट हुआ 17 को। अब देखना ये है कि 17 को हम बिल्कुल सिंपल फॉरवर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स को हाई कोर्ट पे रखेंगे, हम समझाएंगे कि हमारी क्या गलती है जो हम आगे सफ़र कर रहे हैं। जब हर एक दूसरे चीज़ों के लिए रेलवे अलाउ कर रही है अमेंडमेंट्स के थ्रू, तो हमारा भी तो एक छोटा सा डिमांड था कि हमारे सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, सीट्स खाली बच रही हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, हम एलिजिबल हैं, हमें ले लो। अगर आप गवर्नमेंट को तो लेना है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि रेलवे मिनिस्ट्री में या रेलवे में जॉब्स आए, लोग आए, रेलवे का काम होगा, सही तरीके से होगा, सब चीज़ें होगी, एफिशिएंसी होगा, मैन पावर बढ़ेगा। तो जब ये चीज़ करना ही था और वैकेंसी भी निकली हुई थी, तो ले ना हमें, क्यों नहीं ले रहे? एक सिर्फ एक पंगा जो है टेक्निकल का, कि हमारे पास 12 अप्रैल 2019 के दिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, ना हम ट्रेनिंग में अपेयर हुए थे, उसके कारण बहुत सारे आ रहा। चलो उसको भी मान लेते हैं, वो एडवर्टीजमेंट, वो सर्टिफिकेट जो है नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है उस टाइम के हिसाब से। अगर एग्जामिनेशन उसी टाइम बाउंड में हो जाता एक साल में भी दिन, तो बात करेक्ट होती, लेकिन एग्जामिनेशन 3.5-4 साल के बाद हुआ है। और आज जो इशू है वो सिर्फ टेक्निकल इशू ये है कि जो सर्टिफिकेट बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यस नो किया था, उस यस नो का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कॉलम था यस नो का, इसके अलावा उस कॉलम का कभी यूज़ नहीं हुआ, ना उस कॉलम के बेस